आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप मेलोडाइन को यूज कर सकते हैं, हाउ टू यूज मेलोडाइन इन एनी डॉ, चाहे वो ऑडासिटी हो, फिर स्टूडियो क्यूबिस, न्यूटॉन, एबल्टन, आपका लॉजिक प्रो, कोई भी हो, तो मेलोडाइन कैसे यूज किया जाता है। अगर इस टॉपिक पे आए हो तो आप सही जगह पे आए हो। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ राहुल और आज आप देख रहे हैं राहुल राहुल म्यूजिक चैनल। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पे ले जाता हूँ। डेस्कटॉप पे ले जाने से पहले मैं आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। तो मैं आपको ले जाता हूँ एफएल स्टूडियो में। ये मेरा एफएल स्टूडियो है। एफएल स्टूडियो में आप सबसे पहले क्या करेंगे, तो आप एक प्रोजेक्ट ले लो। मतलब मैं यहाँ नंबर वन मिक्स पे रिकॉर्ड कैसे करते हैं इसके बारे में अगर जानना है तो मैंने पीछे वीडियो बना दिया है और वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो मैं कुछ गा लेता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। मैंने इतना ही गाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको मैं ले जाता हूँ वन पे। मैं यहाँ इसका रिकॉर्डिंग ऑफ मेरे पास कोई हेडफोन नहीं अभी, तो मेरा जो हेडफोन है वो भी टूटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, इसको सुनते हैं। अच्छा, मैंने इसका आवाज यहाँ से बंद कर दिया है। दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है। ठीक है, मैं जाऊंगा अभी। मैं डीप में नहीं बताऊंगा एडिटिंग कैसे होता है, क्या होता है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। अब मुझे पता करना है कि ये कौन सा स्केल में है, तो उसके लिए सबसे इजी स्टेप है इसका ये जानने के लिए कि अपना न्यूटॉन खोलेंगे, यहाँ जाएंगे सीजर वाले पे स्केल में जाएंगे और यहाँ देखेंगे हम एफ शार्प मेजर। इजी है, यहाँ जाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे अभी। ये मेरा दो नंबर चैनल पे है, दो नंबर चैनल पे मैं गया और यहाँ मैं लूंगा मेलोडाइन, यहाँ मैं लूंगा मेलोडाइन। मेलोडाइन लेने के लिए मैं यहाँ सर्च करूंगा मेलोडाइन, ये रहा। अगर आपको बीएसटी से प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा बीएसटी इसमें आ नहीं रहा है, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप वहां जाके क्लिक करिए और कैसे उसको ऐड करते हैं वो जान लीजिए। अभी मैं इसको मैं क्लोज करता हूँ। यहाँ मैं लूंगा एक आपका ऑटो ट्यून। यहाँ मैं टेस्ट का ले रहा हूँ। ये मेरा ऑटो ट्यून ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आपका कुछ इस प्रकार का इसका आएगा इंटरफेस। यहाँ सेपरेटो को छोड़ दीजिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए। सी शार्प, यहाँ मेरा एफ शार्प था, तो एफ शार्प इनपुट में कर दीजिए और कंट्रोल को छोड़ दे रहे हैं। और मैं एक बार इसको प्ले करके सुनता हूँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी
कैसी है। ठीक है, अब मैं मेलोडाइन को ओपन करूंगा। मेरा मेलोडाइन ये रहा, मैं यहाँ क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा। सिंपली मेलोडाइन में कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर करके यहाँ से प्ले कर देना है, नहीं तो आपको इस बार जाके इसको प्ले करना है। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। हो गया, इसको बंद करेंगे और मेरा ये लग गया। यहाँ जी शार्प माइनर आया, तो एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई शार्प। तो अभी क्या हो रहा है, आप देख रहे होंगे अगर, तो मेरा ये रहा, इसमें यहाँ आया है जी मेजर, जी शार्प, जी शार्प मेरे स्केल में है। अब मुझे यहाँ क्या करना है, इसको जूम आउट करना है, जूम करना होगा, जूम करना है। अब यहाँ करना क्या है, मैं देखूंगा कि कौन सा मेरा स्केल में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है। ये एफ शार्प पे है मेरा, मतलब ये, इसका मतलब ये सही नोट है। मैं प्ले करूं। देखा हजारों, अब यहाँ देखते हैं, ये एफ पे है, मैं एफ शार्प पे इसको ले जाऊंगा। मेरे पास जी है, जी शार्प ये जी साफ पे हो गया। इस पर डबल क्लिक करके मैं इसको सेंटर में ला सकता हूँ, लाऊंगा। अब ये जो है, ये मेरा ए में है, जबकि मेरे पास ए कुछ है नहीं। यहाँ हम देख लेंगे, ए है मेरे पास, क्या ए साफ है, ए नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्लोज इसमें जाऊंगा। ये ठीक है, ये मेरा था, इसको मैं ए साथ मिलाऊंगा, इस पे डबल क्लिक करूंगा, ये हो गया। अब सुनते हैं कुछ। देखा हजारों दफा, आवाज अच्छी आ रही है। अब क्या करना है हमको, तो ये मेरा एफ साथ पे है, ठीक है, ये मेरा जी साथ पे नहीं है, तो इसको मैं डबल क्लिक करके जी साथ मिलाऊंगा। ये मेरा ए पे है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ऊपर ले जाके मेरा आवाज, आवाज ठीक आ रही है, लेकिन मैं चाहूंगा ये मेरा जो है, ये मेरा है एफ, जो कि एफ नहीं होगा, एफ साथ होगा, ये ऊपर होगा। ऊपर होने के साथ इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से ये होता है, जो आपका नजदीकी रहेगा उस पर आपका वो चला जाएगा। अब ये जैसे है एफ पे, तो हमको एफ पे नहीं चाहिए, एफ साथ पे चाहिए। ये मेरा एफ है, एफ एक नोट ऊपर चाहिए, इसको डबल क्लिक करेंगे, ऊपर चला गया, मुझे नीचे चाहिए। ठीक है, अब सुनेंगे। देखा हजारों दफा आपको, ठीक है, फिर ये अच्छा साउंड कर रहा है। अभी आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कहां इसको आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। बहुत इजी मेथड है, आपको पहले नोट पूरा फाइंड करना है कि कौन सा नोट आपके गाने में आ रहा है। मेरा आपको दिखाया होगा, मैंने जो मैंने स्केल फाइंड किया था एफएल स्टूडियो की मदद से, वो था एफ शार्प, और जो मेलोडाइन ने आपको फाइंड करके बताया है वो है जी शार्प। तो एक्चुअली होता क्या है कि आपका जो एफ शार्प है, एफ शार्प के अंदर में ही आपका जी शार्प आता है। इसी वजह से आपको, चाहे आप जी शार्प पे बनाते हो या एफ शार्प पे, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा आपको कि अगर मैं उसका भी ऑटोट्यून का जो जी शार्प में कर दूं, तो पर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, उतनी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो आपके स्किल में। अभी मैं बात करूंगा इस पे, ये है आपका बी, मेरे पास बी है, मैं वो देखूंगा पहले। यहां मैं आया, यहां मेरे पास बी है, बी सी डी ई, तो मेरे पास फ्लैट बी है, फ्लैट बी आपका ये आ गया, ये फ्लैट बी है, इसको मैं डबल क्लिक करके ऊपर गया, ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक कर दिया था। डबल क्लिक करने से क्या होगा, आपका जो भी स्केल में रहेगा वो मिडिल में आ जाता है, और उससे बेनिफिट होता है। ए शार्प मेरे पास है, दोनों ए शार्प कर दिया मैंने,
जी साफ है, जी साफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो इस तरीके से आप अपने गानों को एक एक नोट करके आपको बदल सकते हैं। अब आपको क्या है इसमें, जैसे मुझे कुछ नोट काटना है, इसको यहाँ से काट दिया मैंने, लेकिन सुनूंगा तो आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हजारों दफा आपको यहाँ भी काट सकते हैं फिर भी। देखा हजारों दफा आपको, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपके स्केल में है और उसका जो ये आपका लाइन जो है वो आपका मतलब ग्राफ बताता है कि आपका वोकल इस पे है। ये लाइन मैन है, ये जो आपका बॉक्स डब्बा जैसा होना है ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपका जो ये लाइन है ये इम्पोर्टेंट है, ये लाइन पे ही होता है। अब जैसे मैंने ये कर लिया, इसके बाद क्या करना है आपको मैंने बताया था कि मैं इसको बदल दूंगा, जहां जाऊंगा ये मेरा मिक्सर है, ऑटो ट्यून में जाऊंगा, ये मेरा ऑटो ट्यून है, यहां मैं इसको जी शार्प कर दिया और मैं ये बजा के देखा। देखा हजारों दफा आपको, आपको मिल रहा होगा कि एफ शार्प और जी शार्प, मैं जी शार्प मेजर बता रहा था। तो क्रोमेटिक इसलिए यूज करता हूँ कि अगर फाइंड करने में कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये ऑटोमेटिक फाइंड कर देगा, लेकिन यहाँ मैं अब जब से मुझे मेजर पता है तो मैं यहाँ मेजर कर दूंगा। मेजर लेने से प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जो जो भी आएगा वो आपका इसी नोट के अंदर में आएगा, लेकिन क्रोमेटिक करने से क्या होगा कि मेरा कोई स्केल चेंज नहीं होगा, कोई नोट चेंज नहीं होगा, जो मेरा है एक्चुअली वही रहेगा। तो ये फील लाने के लिए मैं यूज करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप भी यूज कर सकते हैं इसको। मैं फिर से एक और सुना देता हूँ आपको, देखा हजारों दफा आपको। और जैसे कि आपने सुना कि ये एक्चुअली अच्छा काम कर दिया, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसको लंबा नहीं करने वाला वीडियो को, तो वीडियो यही खत्म करते हैं, मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।